नए साल की शुरुआत नए नए प्लांट्स के साथ। हेलो गाइस, कैसे आप सब? और बहुत बहुत मुबारक हो आप सभी को नया साल, हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों। जैसे अब यार 2022 की शुरुआत हो ही गई है, तो मैंने सोचा आप लोगों को जो भाई फोन्स नहीं लेने वो बता दिए जाए, क्योंकि देखो 2021 के अंदर जो फोन रिकमेंड करते हम आ रहे थे, अब 2022 के अंदर थोड़े और पुराने होते चले जाएंगे। तो मैं आप लोगों को चाहता हूँ कि आप बेस्ट डिसीजन लो जब आप फोन बाय करने जा रहे हो। 2022 के अंदर काफी सारे नए नए फोन लॉन्च होंगे ऑब्वियसली, एंड इंडिया के अंदर तो कल मतलब मंडे से स्टार्ट हो जाएंगे फोन लॉन्चेस होना, बजट और लाइक मिड रेंज के अंदर काफी सारे, तो इंटरेस्टिंग सा माहौल बन जाएगा। तो यहाँ पे अब बात करें अगर हम लोग भाई कौन से फोन अगर आपको नहीं लेने, तो यहाँ पे मैं बजट फोन्स और बेसिकली आईफोन के बजट फोन के बारे में बात करूंगा। मैं यहाँ पे फ्लैगशिप फोन्स के बारे में नहीं बात करने वाला, क्योंकि वीडियो फिर यार लंबी बन जाएगी और उसका फिर यार मजा भी नहीं आता, क्योंकि देखो मैं ये जो वीडियो बनाता हूँ ये मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ, बट काफी लोग इसे सोचते हैं कि भाई मैं बिल्कुल ऐसे पता नहीं क्या बोल रहा हूँ और आप लोग गलत समझ लेते हो मेरी बातों को, और फिर भाई थोड़े अपशब्द बोल देते ज्यादा कमेंट सेक्शन के अंदर, तो वो नहीं चाहता मैं। तो इसलिए आपको स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड आंसर दूंगा कि ये फोन क्यों नहीं लेना और क्या है। सिंपल स्ट्रेट, सबसे पहले भाई एंड्रॉइड फोन के लिए इसके साथ जो कि बजट रेंज के अंदर है। तो बजट फोन के अंदर ना मार्केट काफी ज्यादा बड़ी है, एंड हर एक बजट के अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट और फोन्स मिल जाते हैं। अब यहां पे जैसे मैं स्टार्ट करूं सबसे पहले फोन से, तो अगर आप लोग लेने जा रहे हो लेट से 14-15 हज़ार के अंदर, और अगर आपको रेडमी नोट 10 मिल रहा है, और अगर आप लाइक ले रहे हो ऑफलाइन मार्केट में, तो काफी लोग रेडमी नोट 10 लाइक बोल देगा आपको कि ले लो, बट रेडमी नोट 10 से बेटर आप लोग रेडमी नोट 10s ले सकते हो, वो ज्यादा एक आपको बेटर स्पेसिफिकेशन देता है। तो यहाँ पे रेडमी नोट 10 मत लेना। जब 20,000 का बजट आता, तो यहाँ पे सैमसंग का एक फोन है जो बहुत ही ज्यादा मैं कह सकता हूँ, आप कह सकते हो अच्छा भी या नहीं भी, बट मुझे पर्सनली नहीं इतना पसंद आया, एंड वो है गैलेक्सी A22। तो ये फोन के अंदर आपको 11 5G बैंड्स मिलते हैं, जो कि सच में इस फोन का एक आप कह लो बड़ा पॉइंट था जिस वजह से फोन इतना बिका था। लेकिन अगर आप बाकी सारी चीजें देखो, तो इस फोन के अंदर बाकी सब चीजों में ऐसा कुछ बढ़िया चीज नहीं है, लाइक इन हैंड फील भी काफी ज्यादा अच्छी नहीं है, और उससे जो इसमें डिस्प्ले लगी है वो भी TFT पैनल की, इतनी ज्यादा ब्राइट नहीं होती, वो लाइक नॉर्मल सा फोन है, बट उसके हिसाब से जो प्राइस है चार्ज करें वो थोड़ा ज्यादा है, तो इस हिसाब से A22 आप नहीं लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी बताया था, अभी मेरे थोड़े दिन पहले मामा का फोन आया कि भाई मेरे को एक फोन लेना है, तो फोन बता दे 20,000 के अंदर, और ऐसे मैंने उनको सब बता दिया भाई रियलमी GT मास्टर एडिशन सस्ता चल रहा है, अच्छा फोन है, ये ले लो वो ले लो, सारे एक दो ऑप्शन बता दिए। बट भाई फाइनली वो अभी परसों का कल मतलब फोन आया, और वो गए भाई मार्केट के अंदर क्रोमा के ऊपर, क्रोमा वाले ने भाई उनको गैलेक्सी A22 टेप दिया, और मुझे लेके आने के बाद कहते भाई मैंने गैलेक्सी A22 ले लिया, ये इसमें 5G है, ये है वो है, बट A22 का मैंने उनको ही मना किया था, बट चलो कोई नहीं। अब यहाँ पे अगर नेक्स्ट फोन की बात करूँ, यहाँ पे आता है 25,000 के अंदर अगर आप देखते हो फोन, तो यहाँ पे Nord CE। अब देखो Nord CE भी भाई मैंने एक बंदे को मना किया था, सीरियसली उस बंदे से मैंने 10-15 मिनट बात करी। अब भाई देखो टेक यूट्यूबर्स का पता क्या होता है, जैसे हम लोग जो है हमारे साथ आधे रिश्तेदार दोस्त सब हमसे आधे टाइम तो बस फोनों के बारे में पूछते हैं। तो एक और एक दिन मेरे किसी फ्रेंड का फोन आया, उसने मेरे से फोन के बारे में पूछा, एंड सीरियसली Nord CE मैंने उसे मना करा, लेकिन वो फिर भी जाके OnePlus का बजट फोन लेने के चक्कर में Nord CE ले आया 25,000 का, और भाई उस फोन में यार इतना ज्यादा वो जो एक कहते ना जो OnePlus वाली फील है वो Nord CE के अंदर नहीं है। तो अगर आप कैमरा देखो तो उतने अच्छे ऑप्टिमाइज नहीं है वो, एंड उसके साथ साथ जो यहाँ पे प्रोसेसर है 750G के अंदर वो भी इतना अच्छे से ऑप्टिमाइज नहीं करा गया है। तो मतलब OnePlus का जो Nord CE था वो मेरे को थोड़ा सा अलग लगा फोन, एंड मैं पर्सनली उसको नहीं रिकमेंड करूंगा अब आप लोग लेने के लिए। और अगर आपको उससे हो सकता है तो इसी प्राइस के अंदर आप लोग Realme GT मास्टर एडिशन, Realme X7 मैक्स, Samsung M52 ऐसे स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो, और इवन Galaxy A सीरीज का A52S जो है वो भी आपको मिल जाता है इस रेंज के अंदर 25 अगर डिस्काउंट लगा के लेते हो तो। अब बात कर लेते हैं हमारे काफी ज्यादा एंटीसिपेटेड फोन्स की, जो कि है iPhones। अभी हमें iPhones के अगर आप बजट देखते हो तो वो थोड़ा ज्यादा ही रहता है, 30-40 हज़ार के लगभग वो फोन आते हैं। अब बजट बार बार बोल रहा है होना मत, एप्पल का बजट वही है। तो यहाँ पे 30-40 हज़ार के रेंज के अंदर आपको आईफोन के तीन मॉडल देखने को मिल जाते हैं, एक है iPhone SE, फिर आता है iPhone XR, फिर आता है iPhone 11। 11 का रेट कभी 40 हो जाता है सेल के अंदर, या फिर कभी 42। तो iPhone XR से अगर मैं स्टार्ट करूँ तो ये फोन बेसिकली एप्पल ने डिसकंटिन्यू कर दिया है जब से iPhone 13। मैं ये मानता हूँ कि जो iPhone XR है ना वो अभी के हिसाब से अगर उसे नया लेना चाहते हो तो 36,000 के अप्रोक्सीमेटली वो आता है। तो मैं आपको कह सकता हूँ कि यार अगर आप उसे ना लो तो ज्यादा बेटर रहेगा। वैसे फोन अच्छा है, अगर आप देखो कोई आपको उसमें फोन के अंदर अभी भी इशू नहीं आएगा, लाइक डिस्प्ले भी आपको ठीक ही मिलती है, LCD पैनल है उसके अंदर, ओवरऑल दिखने में भी आपको एल्यूमिनियम बॉडी के साथ ग्लास वाला पीछे बैक मिलती है, बाकी ओवरऑल चीजें काफी ज्यादा सिमिलर सी हैं 10R और 11 के अंदर, ऐसा कोई बड़े इंप्रूवमेंट्स नहीं है। और यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली नए iPhones की बात कर रहा हूँ, सेकंड हैंड वालों की नहीं कर रहा, तो इसलिए नए वाले फोन को ध्यान में रख के चलना है। बाकी आता है नेक्स्ट फोन iPhone SE 2020। ये फोन आप कह सकते हो बहुत ज्यादा बिका भी और बहुत ज्यादा नहीं भी बिका। उसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि ये फोन जब आया था तो 40,000 का था, तब लोगों ने इसे नहीं लिया, लेकिन जब ये फोन 24-25 हज़ार का हो गया तो लोगों ने इसे भर भर के लिया, क्योंकि
एप्पल का फोन 25,000 मिल रहा, लोगों को लगा भाई काफी अच्छा है। ठीक है, फोन अच्छा भी था, नो डाउट सही था, फॉर्म फैक्टर छोटा था ओवरऑल, बट अगर अब आप इस फोन को लेने चाहते हो 2022 के अंदर, तो मैं आपको डेफिनेटली से भाई बिल्कुल ऐसे हाथ जोड़ के कह सकता हूँ, मना नहीं कर सकता हूँ, मना मतलब ये फोन लेना बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है 2022 के अंदर। अब आने वाला है क्योंकि iPhone SE 3 भी इसी साल एप्पल लॉन्च करने वाला है फर्स्ट क्वार्टर के अंदर, तो उसमें ज्यादा आपको बेटर आप कह सकते हो CPU मिलेगा और बाकी लाइक डिजाइन तो सिमिलर ही रहने वाला है, डिजाइन के मामले में कुछ अलग नहीं होगा, बट इंटरनल स्पेसिफिकेशन थोड़ी बढ़ जाएगी, तो इसलिए भाई पुराना क्यों लेना, जब नया आ रहा है तो उसका वेट कर लो थोड़ा और थोड़े पैसे और जोड़ लो, बढ़िया से और नया वाला ले लेना। दो फोन जो कि मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ इस साल लेने के लिए और बिल्कुल मत लेना। 11 भी मैं काइंड ऑफ बोल सकता हूँ ले सकते हो, बट सच बताऊँ ना, अगर मेरी अगर आप मानो तो मैं 11 भी इस बार मना करूंगा कि जो iPhone 12 है ना उसका रेट अभी सेल के अंदर अराउंड 45 हो गया था, फिर 48 हो गया था, तो फोन 50 में मिल जाता है। तो अगर आपको iPhone 11 पे 40,000 खर्च करनी है और अगर आपके पास थोड़ा सा बजट है एक्स्ट्रा या फिर आप थोड़ा वेट कर सकते हो, 10,000 रुपये और डाल के आप iPhone 12 लो, वो ज़्यादा बेटर है हर एक मामले के अंदर, मतलब पूरा रात और दिन का फर्क आ जाता है 11 और 12 में। तो बस यार आज की वीडियो इतनी थी, मैंने एंड्रॉइड के बारे में थोड़ा कुछ बताया, थोड़ा आईफोन के बारे में बताया, अगर आप लोगों को थोड़ा भी पसंद आया होगा तो डेफिनेटली मुझे कमेंट्स में बताना, एंड जैसे नया साल स्टार्ट हो गया तो आप लोग किस फोन के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड या फिर किस गैजेट के लिए एक्साइटेड हो मेरे को डेफिनेटली कमेंट्स में बताना, और भर भर के लाइक वाइक कमेंट कर दिया करो यार, कंजूसी मत छोड़ा करो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर गाइस, बाय।